तो चलिए यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी बता देते हैं। नए मंत्रियों के साथ राजधानी भोपाल में आज पहली कैबिनेट बैठक संपन्न हुई और इस कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभाग वितरण के पश्चात संपन्न पहली कैबिनेट बैठक में गरीबों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। मध्य प्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक और अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को कैबिनेट की स्वीकृति दे दी गई है। अब आगे की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक लाया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के 15 अगस्त 2020 तक के सभी ऋण माफ ब्याज सहित माफ किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही अन्य वर्गों को भी साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए मध्य प्रदेश साहूकार यानी संशोधन विधेयक 2020 लाया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कोरोना की चुनौती है, परंतु साथ ही यह जनता के सेवा का अवसर भी है। हम पूरी टीम भावना के साथ मिलकर जनता की बेहतर से बेहतर सेवा करें। प्रदेश के विकास एवं जनता के कल्याण के लिए हम सब तत्पर रहें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मंत्रालय में मंत्रीगणों के बीच विभागों वितरण के बाद पहली कैबिनेट बैठक को संबोधित किया। बैठक में राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्य तथा अधिकारीगण मौजूद रहे। यहां पर फैसले भी महत्वपूर्ण लिए गए हैं। सोमवार को विभागीय समीक्षा होगी और मंगलवार को कैबिनेट होगी और यह नियम सप्ताह के हर सोमवार और मंगलवार को लागू होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर सोमवार और मंगलवार को सभी मंत्रीगणों को भोपाल में ही रहना है। सोमवार को वे विभागीय समीक्षा करें तथा उस दिन विधायक गणों से मिलने का एक निश्चित समय निर्धारित करें। मंगलवार को 11 बजे से कैबिनेट की बैठक संपन्न होगी। अपरिहार्य कारणों को छोड़कर वह बैठक यहां पर स्थगित हो सकती है। साथ ही विभाग का प्रस्तुतीकरण मंत्रीगण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में विभागीय संक्षेपिका का प्रस्तुतीकरण मंत्रीगण स्वयं करें। इस कार्य में विभागीय ACS एवं PS उनकी मदद करेंगे। प्रभारी जिलों में महीने में कम से कम 2 दिन जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान में मंत्रिमंडल में 34 सदस्य हैं, अतः कुछ मंत्रीगणों को एक तथा कुछ को 2 जिले प्रभार के दिए जाएंगे। प्रभारी मंत्रीगण अपने प्रभार के जिले में माह में कम से कम 2 दिन का दौरा करें, साथ ही वहां रात विश्राम भी करें। दौरे के दौरान समीक्षा बैठक, योजनाओं का क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की स्थिति देखें तथा जनता के साथ संवाद करें। साथ ही आने वाले 15 अगस्त को जनता के सामने रखेंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम सब हमारे यशस्वी एवं दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए निरंतर कार्य करना है। मंत्रीगण अपने विभागीय अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों, प्रबुद्ध जनों की सहायता से इसके लिए रोड मैप तैयार करें। इस संबंध में जनता से प्राप्त सुझावों का भी अध्ययन कर लें। आगामी 15 अगस्त को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जनता के समक्ष रखा जाएगा। साथ ही CM मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शासकीय कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए CM मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसके माध्यम से सभी विभागीय कार्यों और योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। मंत्रीगण अपनी विभागीय योजनाओं के कार्यों के लक्ष्य, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आदि की जानकारी इस पर डालेंगे। साथ ही किल कोरोना अभियान जो मध्य प्रदेश में लागू है, उसके रिजल्ट को लेकर भी यहां पर बयान दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से एक एक कोरोना मरीज की पहचान कर कोरोना को पूरी तरह समाप्त करने के लिए किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। 1 जुलाई को इस अभियान के शुरू होने से आज तक की अवधि में प्रदेश की कोरोना पॉजिटिव रेट 3.78 से घटकर 3.58 रह गई है। वहीं डेथ रेट 4.19% से घटकर 3.64% रह गई है। अभियान के अंतर्गत 14,500 टेस्ट प्रतिदिन तक पहुंच गए हैं। अभी प्रदेश में 65% सर्वे कार्य